सो हेलो गाइज, माय नेम इज अभिरूप दास एंड यू आर वाचिंग स्टॉक्स एकेडमी। सो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो कल है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी में निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब हम ध्यान से समझेंगे, चार्ट्स पे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो जो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं निफ्टी पे। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, देखिए इधर डेली चार्ट खुला हुआ है। तो डेली चार्ट एकदम टॉप में बना है एक पैटर्न, ये दोनों कैंडल का ये पैटर्न को बोलते हैं बेरिश एंगलफिन पैटर्न। क्यों बेरिश एंगलफिन की पैटर्न बोलते हैं? ये रेड वाला मारुबुजु कैंडल, मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो में समझाया है, तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखिएगा वो ऊपर के आई बटन में लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस पैटर्न को बोलते हैं बेरिश एंगलफिन कैट पैटर्न। क्यों बोलते हैं? रेड कैंडल जब उसके अगला वाला कैंडल को निगल जाता है, मतलब इस कैंडल छोटा वाला कैंडल को ये बड़ा वाला कैंडल निगल जाता है, उसको बोलते हैं बेयरिश एंगलफिन पैटर्न। तो ये पैटर्न क्या इंडिकेट करता है? ये पैटर्न इंडिकेट करता है नीचे जाने का, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे आ सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग है। इधर हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो है वो एसजीएक्स निफ्टी 17,900 है, और हमारा मार्केट बंद हुआ था 17,656, मतलब 300 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी, मतलब सिंगापुर निफ्टी। तो सिंगापुर निफ्टी को देखकर ही हमारा मार्केट ओपन होता है, तो हम लोग को उस हिसाब से ही एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हमने लेवल्स मार्क कर लिए है 17,900 का, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए 17,919 का हाई बनाया था 20 सितंबर को, और उसके बाद वो 17,900 का लेवल आया ही नहीं। अगर ये 17,900 पे कल ओपन होता है तो हम लोग छोटा मोटा फॉल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 15 मिनट चार्ट पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मार्केट इधर ओपन होता है 17,900, क्योंकि बड़ा गैप अप खुल रहा है, तो बाई करने का कोई चांस ही नहीं है। अगर किसी ने कॉल होल्ड किया है या पुट सेल करके रखा हुआ है, उसका तो बड़ा मुनाफा ही होगा। और मुनाफा आने पर मुझे लगता है 17,900 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जिन जिन लोग अभी तक पोजीशन नहीं लिए हो, तो भाई आप पोजीशन मत लीजिए। मार्केट खुलते 15 मिनट या 5 मिनट कैंडल देखिएगा, 5 मिनट कैंडल वेट कीजिएगा। इधर एक छोटा सा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, मैं बाई का प्रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, बाई कब करिएगा। इधर जब 17,900 पे एक छोटा मोटा रेड कैंडल या रिजेक्शन कैंडल इधर वीक बना के, मैं आपको ड्राइंग करके ही दिखा दे रहा हूं। इधर एक टेल बना के, इधर एक ऐसा वाला कैंडल बना के अगर फॉल देता है तो बहुत बढ़िया है। इधर इधर 800 से एकदम 750 तक, या 700, हाँ 700, ये वाला रेड कैंडल का हाई कितना है? 800। तो 800 तक 100 पॉइंट का मूव आप कैप्चर कर सकते हैं, अगर ये सिनारियो हुआ तो। अगर बाई कब करना है? बाई करना है इधर एकदम सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट है इस कैंडल का ओपन ही सेम है, मतलब पहले वाला दिन जो परसों जो ट्रेड हुआ तो उसका हाई था 17,811। तो 800 या 750 के आसपास अगर आए तो छोटा मोटा बाइंग का इधर एक रिजेक्शन कैंडल ऐसे फॉर्मेशन हुआ तो आप बाई के लिए बैठ सकते हैं। इधर से आप 100 पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट 900 भी ब्रेक किया तो 950 तक का टारगेट आपको मिल सकता है इजीली। तो मैं प्रेफर करूंगा, इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, मार्केट साइड वेव भी हो सकता है, इधर इधर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है ऊपर नहीं आ रहा, तो इधर साइड वेव होने का भी बहुत चांसेस है। तो और कल वीकली एक्सपायरी भी है, अगर साइड वेव मार्केट हुआ तो ऑप्शन बायर कर तो लग जाएगा पूरा, क्योंकि प्रीमियम बहुत बहुत जोर से डीके होने वाला है कल। तो प्रीमियम डीके का वेट कर लीजिएगा।
और तो आइए हम लोग बैंक निफ्टी का भी इधर एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है, वो बेयरिश सिंगल पिट पैटर्न बना हुआ है ऊपर में, लेकिन इस बेयरिश सिंगल पिट पैटर्न का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलने वाला है। इधर अगर 300 पॉइंट गैप अप हुआ तो, अगर निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप हुआ तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट या 600 पॉइंट गैप अप हो सकता है। तो अगर मार्केट 400, तो बैंक निफ्टी का ये 400 से लेकर 500 तक का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल होने वाला है, क्योंकि इस रेंज पे बहुत लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, या इधर या पुट लेकर कैरी करके बैठे हुए हैं। तो उन लोगों का तो बड़ा लॉस होने वाला है कल। तो अगर ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें इधर, अगर आप ऑप्शन चेन में अगर देखे आप, ये लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो आप 400 से लेकर 450 के बीच में अगर मार्केट अगर आए कल, तो इसके ऊपर ही गैप अप खुलने वाला है शायद। तो यहां से रिजेक्शन लेकर अगर 400 या 350 के आसपास आए, तो इधर छोटा मोटा बाइंग का अपॉर्चुनिटी अब ले सकते हैं, क्योंकि इधर जो लोग सेल करके बैठे हुए थे, कॉल सेल करके बैठे हुए, तो ये सब लोग निकल जाएंगे। और इधर जो लोग पुट सेल करके बैठे हुए थे या कॉल बाई करके बैठे हुए हैं, वो अगर मार्केट इधर आए, वो लोग फिर से ऐड करेंगे अपना पोजीशन। तो आप इधर छोटा मोटा बाइंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अगर इधर से रिजेक्शन कैंडल क्रिएट हुआ तो। तो आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा इधर से, अगर बाई किया तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 500, 530, और वो 530 के वो ऊपर ब्रेक किया तो 600 तक का टारगेट आप करके लिए ले सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट मत लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो जहां कैंडल का मोमेंटम ब्रेक करेगा उधर ही आपको प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको रिस्क मैनेज करके हेज करके पोजीशन बनाना है। अगर कॉल सेल किया तो आपको पुट बाई करना है, अगर पुट सेल किया तो आपको कॉल बाई करना है, मतलब अपना पोजीशन हेज करना है कल के दिन, क्योंकि कल का दिन एक्सपायरी डे है। बहुत बड़ा मूवमेंट या ट्रेंडिंग मार्केट भी रह सकता है या साइडवेज मार्केट भी रह सकता है। मैं पर्सनली कल ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि कल भाई दूज है, तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा कल का दिन। मैं ट्रेड करूंगा फ्राइडे को, और इस हफ्ता अगला हफ्ता लेकर बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने बना लिया है। तो एक दिन ट्रेड नहीं करने से कोई ये नहीं हो जाएगा मेरा। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ट्रेड कीजिए कल के दिन। मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है, अगर अचानक या बाई चांस 350 ब्रेक किया नीचे तक, तो आप लोग को बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है इधर, 40 हजार या 41,200 तक का टारगेट मिल सकता है। वो तो कल के दिन में बाइंग का प्रेफर इतना ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग का ही प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है इधर। तो मैं बाई का प्रेफर नहीं करूँगा। अगर सपोर्ट पे है तो जरूर बाई कीजिएगा, अगर बाई किए तो छोटा प्रॉफिट बुक करके या छोटा पॉइंट बुक करके निकलिएगा, क्योंकि कल का दिन एक्सपायरी डे है, प्रीमियम बहुत डिके होने वाला है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए सेफ ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी का लेवल ये है, बैंक निफ्टी का लेवल ये है, आप चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं चाहूंगा कि इस टाइप का वीडियो आपके लिए रोज बनाता रहूं मेरा टाइम मैनेज करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन सी यू।